नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में आखिर ये हालात क्यों ऐसे बन गए हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो अपने आप को जनता के मित्र बताती है, उस पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब वो पुलिस कहीं ना कहीं हत्यारी हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष कह रहा है। अहम बात यह है कि बीते अगर पुलिस के उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखा जाए तो कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और ताजा मामला गोरखपुर का है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता नामक एक प्रॉपर्टी डीलर अपने दो दोस्तों के साथ गोरखपुर किसी काम से गया हुआ था, अपने व्यापार के सिलसिले में गया हुआ था। और उसके बाद जो कुछ सोमवार की बीती सोमवार की रात को हुआ है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। और उस सवाल में भी कहीं ना कहीं सारे जो उत्तर हैं वो निकल कर अब सामने आ चुके हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बहुत बयां कर रही है, उस बयां करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दरअसल मामला पूरा ये है कि गोरखपुर मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे, एक होटल में रुके हुए थे। उस दौरान करीब 6 पुलिसकर्मी रात में उनके कमरे पर पहुंचते हैं और इस कदर मनीष यादव के साथ पहले बदतमीजी होती है, जिसका विरोध मनीष गुप्ता करते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले मनीष गुप्ता के साथ इस कदर मारपीट करते हैं कि मनीष गुप्ता की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, ये अपने में झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले हो चुके हैं जहां पर पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। चाहे वो विवेक तिवारी का मामला हम ले लें या फिर इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी का मामला ले लें, जिसमें अभी तक मणिलाल पाटीदार जो कि आईपीएस हैं वो फरार चल रहे हैं। इसके अलावा कानपुर का मामला ले लें कि कानपुर में कैसे पुलिस वालों के सामने एक पीड़ित परिवार से अपहरणकर्ता 30 लाख की फिरौती लेकर चले जाते हैं, या फिर अन्य जगहों की मामले को ले लें जहां पर लगातार पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं। अहम बात यह है कि गोरखपुर का जो ये जो गोरखपुर की घटना हुई है, इस घटना के बाद जो पीड़िता है, जो कि मनीष गुप्ता की पत्नी है, उसके साथ क्या हुआ, ये भी अगर आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल मनीष गुप्ता की पत्नी ने कई सारे रो रो के बयान दिए, कई सारे वीडियो बनाए, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई, तब जाकर आरोपी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, मुकदमा दर्ज किया गया। इसके पहले एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें कुछ आला अधिकारी पीड़ित परिवार के साथ बैठे हुए थे और उन्हें ये कह रहे थे कि मामले को खत्म कर दीजिए, मुकदमा मत दर्ज करवाइए। आखिर क्यों क्यों उन पुलिस कर्मियों को बचाया जा रहा था जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने हत्या कर दी? क्यों उन हत्यारों को बचाया जा रहा था? और वो हत्यारों को बचाने के पीछे क्या साजिश थी, क्या रणनीति थी? ये सवाल अभी भी मनीष गुप्ता की पत्नी जो है वो पूछ रही है, जो विपक्ष है वो पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की आम जनता पूछ रही है, हम और आप पूछ रहे हैं। बहरहाल आज इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ज्यादा हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौके पर पहुंचे, मनीष गुप्ता की पत्नी से उन्होंने मुलाकात करी। उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से 20 लाख का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा और सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए, मदद करे पीड़ित परिवार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, कल प्रियंका गांधी ने भी पीड़ित परिवार से बात की, मनीष गुप्ता की पत्नी से बात की। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं कि उनके ऊपर पहले ही इतने गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं? हाथरस में किस तरह से जबरन क्रिमिनेशन कराया जाए, या फिर बलरामपुर में जबरन अंतिम संस्कार कराया गया बेटी का, क्या इस तरह के सवाल से उत्तर प्रदेश की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं? एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। क्यों क्यों हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर पुलिस के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं? क्यों हमारी पुलिस एक व्यापारी को इस कदर मारती है कि वो मर जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए? आज इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, अलग अलग पार्टियों के पक्ष लेंगे, लेकिन ये मुद्दा बहुत अहम है। ये मुद्दा हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है, ये हमारे और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा उन लोगों के ऊपर है जो अपने आप को हमारा और आपका मित्र कहते हैं और ये कहते हैं कि हम हमेशा जनता की सेवा में खड़े हुए हैं। उस पुलिस वाले पर हम कैसे भरोसा कर लेंगे, कब कौन हमारी हत्या कर दे, ये अभी भी नहीं हम जान रहे हैं ना जान सकते हैं। आखिर कैसे इन पुलिस वालों पर हम और आप भरोसा करेंगे? तो आज की डिबेट को शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दुखद है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी घटना हो सके। छोड़ो छोड़ो, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई घूमने जाए
अपने साथियों के साथ व्यापार के काम के लिए जाए और जब उसके परिवार के लोगों को सूचना मिले तो परिवार को सूचना मिले जान जाने की मृत्यु की, नितिन खड़े हो, ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है। मुख्यमंत्री योगी, अरे यार हटाओ भाई, परेशान कर दियो, इधर कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। जब पुलिस ही डकैत और हत्यारी हो जाए तो सुरक्षा कौन देगा? जी हाँ, गोरखपुर की पुलिस ने वो काम किया है कि सारी खाकीदारियों का सिर शर्म से झुक गया है। पुलिस ने डकैत बनकर एक व्यापारी की हत्या कर दी। कान खोल कर सुनिए, अगर आप कहीं होटल में ठहरे हैं तो फिर पुलिस से बच कर रहिएगा, क्योंकि पुलिस की नजर आपके पैसों पर हो सकती है और लूट का विरोध करने पर पुलिस वाले आपकी हत्या भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ जब कानपुर का एक प्रॉपर्टी डीलर अपने दो दोस्तों के साथ काम के सिलसिले में गोरखपुर गया और एक होटल में ठहरा। तब 6 पुलिस वाले, माफ कीजिएगा, पुलिस की वर्दी में जल्लादों ने, हाँ पुलिस की वर्दी में जल्लादों ने उन व्यापारियों से चेकिंग के नाम पर पैसा लूटने की कोशिश की और जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया तब उन जल्लाद पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता नाम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। आप सोचिए कि जब पुलिस वाले मनीष गुप्ता को रात के अंधेरे में पीट रहे होंगे तो क्या दृश्य होगा? मरता हुआ वो प्रॉपर्टी डीलर क्या सोच रहा होगा? उसकी आंखों में अपनी पत्नी, अपने बच्चे की तस्वीर बार बार आ रही होगी और वो सोच रहा होगा कि हे भगवान, आज मैं मर रहा हूं, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मृतक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी के आंसुओं को देखिए और सुनिए कि वो रो रो कर क्या कह रही है, सुनिए कि पुलिस ने कितना बड़ा पाप कर दिया, सुनिए इस अभागी को जिसका पति पुलिस ने छीन लिया, सुनिए उस माँ को जिसका बच्चा पुलिस वालों ने अनाथ कर दिया। सबसे गलती इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे के लिए कहीं खून नहीं है, वो खून से लग पत्ते। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। सुना आपने कि कैसे एक महिला ने न्याय की गुहार लगाई है? आप खुद को उस जगह पर रख कर से सोचिए, आपका मन सिहर उठेगा। जब कोई बदमाश किसी पर हमला करता है तो आदमी सोचता है कि जल्दी से पुलिस को फोन कर दे, शायद बच जाए, लेकिन जब पुलिस वाले ही हत्या करने पर आमादा हो तो फिर कौन बचाएगा? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में आ रहा है। खैर, सरकार की तरफ से मुआवजे और नौकरी की घोषणा की गई जिसे स्वाभिमानी महिला ने ठुकरा दिया है। पीड़ित महिला मीनाक्षी गुप्ता की एक मांग है कि हत्यारों को फांसी दी जाए। बड़ी बात यह है कि जहां सरकार प्रदेश भर में कानून व्यवस्था का दंभ भरती है और वहीं गोरखपुर की धरती पर हत्या हो जाना और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हों, तब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप हत्यारे पुलिस वालों के नाम भी सुन लीजिए। हत्यारा इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, फल मंडी चौकी का प्रभारी हत्यारा अक्षय मिश्रा, हत्यारा दरोगा विजय यादव, हत्यारा दरोगा राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल हत्यारा कमलेश यादव और हत्यारा कांस्टेबल प्रशांत कुमार। मनीष गुप्ता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यह बात साफ हो गई कि उनके साथ पुलिस वालों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सिर में गंभीर चोटें और शरीर पर गहरे घाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस रात मनीष गुप्ता के साथ पुलिस ने क्या क्या किया था। सीएम योगी ने इस मामले पर सख्त रवैया अपना लिया है। डीजीपी मुकुल गोयल को मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजनीतिक दल इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि 2022 के चुनाव से पहले यह हत्या का मामला सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है और इन हत्यारे पुलिस वालों की वजह से सरकार को 2 कदम पीछे जाना पड़ सकता है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हुई मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार और उसके साथ साथ विपक्षी दल भी पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं। ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अब कानपुर में भी इसका विरोध शुरू हो गया। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में लगातार कई संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ के गोरखपुर के ADG यहाँ पहुँचे और जो घटनास्थल था, होटल था, उसका निरीक्षण किया। इस समय हम होटल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये वही होटल है जिसमें कानपुर के व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि कई बार गोरखपुर के जो कप्तान थे उन्होंने कई बार, पहली बार तो उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया कि होटल में हड़बड़ाहट में वो व्यापारी गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि सोशल मीडिया, उसके बाद मीडिया में जब मामला बढ़ा तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि 6 पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे जाँच के लिए SP उत्तरी को जाँच सौंप दी गई है। इसके बाद मामला फिर बढ़ा। कुल मिला जुला कर कहें तो अभी भी जो मृतक के परिवार हैं वो गोरखपुर पुलिस से यह मामला हटाकर कानपुर पुलिस को ट्रांसफ़र करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिले और संतावना व्यक्त करने के साथ ही आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। अब देखना ये होगा जो पुलिस जिन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि यही पुलिस वाले हैं जब किसी मामले में मुकदमा दर्ज होता है तो यही पुलिस वाले अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में जाके जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ कर लाती है। अब ये पुलिस खुद कटघरे में है तो इसकी गिरफ्तारी कब होगी? प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। तो इस गंभीर विषय पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से और वो पार्टियों का पक्ष रखेंगे, लेकिन पक्ष सही तरीके से आना चाहिए क्योंकि गंभीर मुद्दा है और मुद्दा हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है, वो लोग से जुड़ा हुआ है जो सड़क पर खड़े होकर हमारी रक्षा करने की बात करते हैं लेकिन वो रक्षक कब हत्यारे बन जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। KC जैन साहब हैं, BJP से पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अभिषेक राज हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। आजम खान साहब सपा से हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। और विश्लेषक के तौर पर अभिषेक मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। जैन साहब, आप लोग तो बड़ा दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मॉरल पुलिसिंग का पाठ पढ़ी हुई है, वो सबकी रक्षा करना जानती है और यही रक्षा हो रही है आपके राज्य में। उत्तर प्रदेश में व्यापारी को इस तरह से मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है महज इसलिए क्योंकि पैसे का मामला था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि इन हत्यारे पुलिस कर्मियों के पक्ष में मैं कोई बयान दूं या इनको बचाने का। अच्छा, ये आप ही नहीं है, BJP का कोई भी नेता आज बोलने को तैयार नहीं है, पता है आपको? आप लोग इस कदर बात ये है। जी, देखिए कि हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर। कितने मामले गिनाओ सर मैं आपको, कितने मामले गिनाओ? मेरी बात सुन लीजिए। विवेक तिवारी याद है आपको, लखनऊ का राजधानी का मामला था। इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला आपको याद है, IPS मणिलाल पटीदार को आज तक आप लोग नहीं ढूंढ पाए। इसके अलावा मैनपुरी में एक पति जो अपनी पति के साथ बदसलूकी की शिकायत दर्ज करवाने गया था, उसको पुलिस वालों ने थाने में बैठा कर मारा, उसको गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में पुलिस के सामने से अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेके चले गए, पुलिस बैठी रह गई, बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। कितने मामले गिनना चाहेंगे? कब तक आप कहेंगे कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम हत्यारों की बात नहीं करेंगे? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर पुलिस में 1,000 जवान हैं तो 1,000 जवान में से अगर उसमें से 990 लोग सही से काम कर रहे हैं तो 10 लोग उसमें से इस मानसिकता के भी हैं कि एन किरण प्रकारण किसी भी प्रकार से अगर उन्होंने वर्दी पहन ली है तो उनका उद्देश्य एक है कि अपना घर भरना, अपना खजाना भरना, अपनी बैंक के लॉकर भरना, बैंक का अकाउंट भरना और सुख सुविधाओं में डूबे रहना। 1,000 में से 10 लोग ऐसे हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो यह है कि घटना बहुत ही दुखदाई है, दर्ददाई है और संवेदनशील, जैसा कि आपने सुना। आपको पता है ना सपा कानून व्यवस्था पर ही सत्ता से चली गई थी। आपको पता है ना कानून व्यवस्था पर ही सपा सत्ता से चली गई थी उस दौरान आप लोग कहते थे कि कानून व्यवस्था सबसे बर्बाद है। और जैन साहब, आप इस बात को कह रहे हैं कि 10 पुलिसकर्मी हो सकते हैं गलत हो 900,000 में से, लेकिन क्या आप अगर विपक्ष में बैठते तब भी इस बात को कहते कि चलो ठीक है, हो गया मामला? नहीं, ठीक नहीं है, बिल्कुल तब भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर एक भी पुलिसकर्मी भ्रष्ट है तो वो अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है
तो नहीं ठीक है। तो ये मणिलाल पाटीदार कहाँ है? दूसरी बात ये है, ये मणिलाल पाटीदार कहाँ है जैन साहब? सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे परिवार से स्वयं मिले हैं और इन सारे पुलिस कर्मियों पे जगत नारायण सिंह, अक्षय मिश्रा, विनोद मिश्रा, विजय यादव, कमलेश, ये जो छह अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी, मैं तो इनको कहूंगा कि मामला कुछ भी रहा हो, अभी तो इसकी जांच होना बाकी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो चीजें संज्ञान में आ रही है, जिस तरीके से उसके साथ दो मनीष के साथ में जो उसके दो दोस्त थे, चश्मदीद गवाह हैं, प्रदीप और हरी चौधरी, और साथ में चंदन सैनी जो दोस्त था जिसने बुलाया था वहां पर, तो चश्मदीद जब गवाह सब सामने हैं, अगर इनके स्टेटमेंट को माना जाए और इन सारी चीजों को देखा जाए तो ये दुर्दांत अपराधियों की श्रेणी में हैं ये पुलिसकर्मी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है, एक तो इन सारे की सारे छह लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा है, 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सबको सस्पेंड कर दिया गया है, जांच हो रही है, और इनको सबको सस्पेंड करने तक ही नहीं, ये नौकरी से तो बाहर हो गई होंगे, इनको सबको सजा भी मिलेगी। आपको याद होगा गोंडा का एक कांड हुआ था काफी पहले, और एक पुलिसकर्मी था, बाकी पुलिसकर्मी वहां से भाग गए, हत्या हो गई वहां पर, उससे भी तो कोई सीख नहीं मिली। उसकी बेटियां आईपीएस आईएएस बनती हैं और उसमें से वो रिटायर्ड होने के बाद उन दरोगाओं और पुलिस कर्मियों को सजा मिली थी। अच्छा, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ बड़े अधिकारी नहीं संलिप्त हैं? देखिए, ये इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये घटना जो है वहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। अच्छा, और जो वहाँ पर मौजूद थे आपको उनके पता है, आपको पता है, आपको सुन लीजिए, एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, जो है सीबीसीआईडी इसकी जांच कर रही है, और सारी चीजें उभर करके सामने आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है, कानून मंत्री माननीय बृजेश पाठक जी ने भरोसा दिलाया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ले जा करके इन सबको हम सजा दिलाएंगे, बड़ी से बड़ी। और जो देखिए 302 के मामले में, ऐसे मामले में तो सीधे सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, मैं मांग करता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे, और माननीय बृजेश पाठक जी ने भरोसा दिलाया है, तो सरकार जब पूरा भरोसा दिला रही, सरकार एक्शन में, सरकार ने एक्शन ले लिया है। जैन साहब एक सवाल है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था, आपने इस बात को कहा है, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं और पीड़ित परिवार से कह रहे हैं कि मामले को खत्म करिए, मुकदमा मत कराइए। देखा है आपने वीडियो? की बात थी, सुनिए, देखिए ऐसा है, प्रथम दृष्टया जो अधिकारियों को लगा, अधिकारियों ने उस तरीके से बातचीत की, लेकिन वो भी सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करके, जांच करा के, फिर जाकर के क्लीन चिट देनी चाहिए। क्लीन चिट बड़े अधिकारी, ये एसओ और एसआई, इनको सबको पहले क्लीन चिट दे दे रहे हैं कि जैसे लगता है कि बिल्कुल साफ सुथरे। अरे, मारते मारते मार डाला मनीष गुप्ता को, और उसके बाद में जो है कह रहे हैं एफआईआर ना दर्ज करिए आप, ये कौन सा तरीका है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी एक्शन लिया है, उनको भी फटकार लगाई है, और हो सकता है जल्दी आपने फटकार लगा दी, सब कुछ सही हो जाएगा, बैठा दिया जाए। ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूँ। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। ये उत्तर प्रदेश में जो अभिषेक हुआ है, राजधानी, पहले विवेक तिवारी राजधानी में, आपको पता ही होगा क्या हुआ था उसके साथ, अब मनीष गुप्ता गोरखपुर में, ये जो हत्या हुई है व्यापारी की पुलिस के द्वारा, कैसे भरोसा करें हम पुलिस वालों पर? देखिए, ऐसा है कि योगी शासन ने कानून व्यवस्था जो है उसने अपना अस्तित्व जो है पूर्ण तौर से खो दिया है। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 4.5 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इन्होंने जो दम भरा वो भरा गवर्नेंस पे कि हम गुड गवर्नेंस को लेकर आएंगे, हम पिछली सरकारों का गुंडा राज खत्म करेंगे, इन तमाम बातों पे ये लोगों के बीच में गए। इन्होंने कहा कि हम इस बात पे उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा देंगे, मगर आज स्थिति क्या है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया विवेक तिवारी हत्याकांड का, तो लखनऊ में वो किसी से भूला नहीं गया है, बहुत पुरानी बात नहीं है, याद है किस तरीके से उन अराजक पुलिस वालों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी, उसका भी घर परिवार था। मनीष गुप्ता की हत्या किस तरीके से मार के पीट के करी गई, किस तरीके से बेरहमी से मारा गया। अब ये कह रहे हैं केसी जैन साहब कि बहुत बड़े अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। आज पता है बीजेपी का कोई नेता इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं,
कोई क्या, बैठने को तैयार नहीं देखिए क्या बोलेंगे, देखिए इनको खुद मालूम है कि इनसे जो प्रदेश की सरकार है वो नहीं चल रही है। अब यहाँ पे बैठ के ब्लेम कर रहे हैं कि वो तो मामूली इंस्पेक्टर थे, एसआई थे, कांस्टेबल थे, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आखिर इतनी हिम्मत आ कैसे रही है जो रंगदारी वसूल रहे हैं, गुंडा टैक्स में कहूंगा कि वसूलने का काम ये किया जा रहा है कि गुंडों की तरह जाके होटलों में जाके वहां उगाही करने का काम कर रहे हैं। निरंकुश हो चुकी है पूर्णता प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है। आप देखिए ना किस तरीके से, जब हाथरस का भी कांड हुआ था तो हाथरस के कांड के वक्त भी प्रदेश के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने गलत बयानबाजी करी थी, गलत स्टेटमेंट दिया था बिना जांच के। बाद में सीबीआई ने जब जांच करी तो क्या उसका रिजल्ट निकल के आया। इसी तरीके से वहां के कप्तान जो है वो कह रहे हैं कि फिसल के गिर गए तो इस वजह से मृत्यु हो गई। तो आप देखिए कि पुलिस महकमा जो है कुछ भी बयानबाजी कर रहा है तो कॉन्फिडेंस जो होता है, जो ट्रस्ट होता है आम जनता का कैसे आएगा। देखिए आपराधिक तत्व जो है उत्तर प्रदेश में, आपराधिक तत्व को भी छोड़ दीजिए, जब पुलिस इस तरीके का व्यवहार करेगी, अराजक व्यवहार करेगी, तो आम आदमी कहां पर जाएगा। व्यापारी को आपने मार दिया, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी कल की घटना है लखीमपुर खीरी में, दबिश डालते वक्त पुलिस वहां पे पहुंचती है और वहां पे चौकी इंचार्ज वगैरह माँ बेटी से बदसलूकी करते हैं। एक समाजवादी पार्टी की महिला नेता होती हैं बांदा में, वो आत्महत्या कर लेती हैं। 21 सितंबर की ये बात, 11 जुलाई की ये बात है बांदा में। इसी तरीके से पुलिस वहां बदसलूकी करती है, लोग मुकदमा लिखाने जाते हैं। तो ये पहली घटना नहीं है। आखिर आदमी किसके ऊपर भरोसा करेगा। आम आदमी तो भाई पुलिस के पास ही अपनी दरखास्त लेकर जाता है। मगर ये देखिए उगाही का अड्डा अब थाना बन गया, थाने में केवल उगाही हो रही है। कि 1000 में से 10 अगर इस तरह के निकल जाते हैं तो हम उसमें क्या करें। नहीं देखिए सरकारें इकबाल से चलती है। पुलिस प्रशासन में जो महकमे में लोग जो काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनका खौफ होना चाहिए, उनका डर होना चाहिए। पहले भी प्रदेश में सरकारें चली है, अगर खौफ और डर होगा नेताओं का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का खौफ डर होगा, मालूम है कि कार्रवाई होगी तो इस तरीके की वारदातें नहीं होंगी। पुलिस के जो ये कह रहे हैं कि छोटे अधिकारी हैं, एसओ हैं, एसआई हैं, जैन साहब कह रहे हैं, आखिर इनको हिम्मत कहां से मिल रही। भाई हिम्मत तभी मिलती है जब ऊपर से कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। बिना संरक्षण के तो रात में किसी होटल में नहीं चले जाएंगे, और कोई सड़क छाप या रास्ता चले तो लोग नहीं थे वो। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। देखिए इस प्रकार से हमारे साथी कह रहे हैं कि संरक्षण मिला हुआ है। संरक्षण तो पिछली सरकारों को मिला हुआ था अपराधियों को, आपके कलेक्टर और कप्तान, गोरखपुर के कलेक्टर और कप्तान कर दे रहे थे। अरे भाई सुनिए तो, जैन साहब एक बात बताइए, अरे जैन साहब गोरखपुर के कलेक्टर और कप्तान उस महिला के साथ बैठ के क्या कर रहे थे, ये क्यों कह रहे थे कि मामला खत्म कर दो, एफआईआर मत कराओ। घूम रहे थे आज, नहीं नहीं गुंडे खुले अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, एक मिनट, गुंडे खुले घूम रहे थे तो इसीलिए वो सरकार चली गई। आपने कौन सा ऐसा नया काम कर दिया, आप इसका जवाब दीजिए। गुंडे खुले हम घूम रहे थे 2017 से पहले, ये यहाँ पे मुद्दा नहीं है। आपने क्या अलग कर दिया ये बताइए हमको, ये बताइए कि 2017 से लेकर 2022 तक आपने क्या अलग किया है। आप लोगों के प्रेशर के वजह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, गुड गवर्नेंस, कर्मियों की हत्या होती थी। आपके कप्तान हत्या करके फरार हो गया, मनीलाल पाटीदार काहे नहीं पकड़ पाया आज तक, क्या कर रहे हैं बताइए। कि उसमें वो वसूली कर रहा है, रंगदारी मांगता है वो एक बिजनेसमैन से, और बिजनेसमैन जब पैसा देने को मना कर देता है तो उसकी हत्या करा के बताइए कि आईपीएस अधिकारी फरार हो गया, और आप बैठे हुए देखते रह गए, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तक पकड़ नहीं पाए आप लोग, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मुख्तार अंसारी पे चर्चा नहीं हो रही, मनीष गुप्ता पे हो रही, विवेक तिवारी पे हो रही है जैन साहब? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, देखिए चर्चा जो हो रही है। नहीं नहीं आप एक बात बताओ, आप मुख्तार अंसारी पे चर्चा कर लो या किसी पे चर्चा कर लो, ये बात आप कैसे आप जस्टिफाई कर दोगे कि जो कल हुआ, जो विवेक तिवारी के साथ हुआ, जो मनीष गुप्ता के साथ हुआ, वो सही है, कैसे जस्टिफाई कर दोगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इस बात को स्वीकारिए कि आपसे प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, इस बात को मानिए। दूसरे उदाहरण दे के ये नहीं बताइए कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये क्यों हो रहा है, ये मुद्दा है, ये भी नहीं होना चाहिए। आपके मुद्दे पे ही मैं जवाब दे रहा हूँ, अलग से कोई जवाब नहीं दे रहा। पिछली सरकार में इस सरकार में ये डिफरेंस है। अरे यार आप जैन साहब, अधिकारियों का संरक्षण होता है या नहीं होता है? उन्होंने घटना की, जैन साहब हम आपसे आपकी सरकार जो अभी चल रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके संरक्षण में इस तरह का मामला, इतना बड़ा मामला किसके संरक्षण पे हुआ, इतना बता दीजिए। सुनना नहीं चाहते? अरे सर सुन तो लीजिए, सुनना नहीं चाहते, सवाल सुन के जवाब तो दे दीजिए। अपराधियों को प्रेशर दे रही थी पिछली सरकार, अच्छा मंत्री हत्याएं करवा रहे थे। अभी ये जो मामला हुआ किसके संरक्षण में हुआ, क्या अधिकारियों का इसमें संरक्षण था कि नहीं था?
बलात्कारी बलात्कारी लोगों को आप मंत्री सुनना नहीं चाहते या फिर जवाब नहीं देना चाहते? लेकिन इस बार में सुनिए क्या अंतर है। अंतर ये है कि जो त्वरित कार्रवाई हुई 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया, हर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे तभी एक्शन करेंगे आप लोग पिछली सरकारों में। ना ना मैं ये कह रहा हूँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ बेहतर करने की, लेकिन क्या हर मामले में जब तक उनके ऊपर उनकी नजर नहीं पड़ेगी तब तक आप लोग ने कसम खा रखी है, आपकी पुलिस ने कसम खा रखी है कार्रवाई नहीं करेंगे? ये जो 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए इनकाउंटर में, इनके पक्ष में विपक्ष क्यों खड़ा है? कहां विपक्ष इनके पक्ष में खड़ा हुआ है? देखिए ऐसी झूठी बातें मत करिए, जस्टिफाई मत करिए जयंत साहब। आप ये बताइए कि एक व्यापारी, एक शरीफ आदमी, मध्यम वर्ग का, जिसका एक परिवार है, आखिर उसकी हत्या क्यों कर दी जाती? आपकी पुलिस क्यों उगाही करने पे उतारू है? खाने उगाही का अड्डा क्यों बन गए? आखिर पुलिस वालों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? आप कह रहे हैं दरोगा है, कांस्टेबल है, आखिर हिम्मत कहाँ से आ रही है? कार्रवाई का डर होता है उसके ऊपर तब वो ऐसा काम ना करता। नेक्स्ट राउंड में आ रहा हूँ जयंत साहब, मैं आ रहा हूँ जयंत साहब, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में आ रहा हूँ आपके पास। जगत नारायण सिंह को, अक्षय मिश्रा को, विनोद को, ठीक है आप और लिस्ट बताइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा ये बताइए रात में एफआईआर क्यों बदलाई गई? हिम्मत है, एफआईआर हुई में पहले आपने क्यों बोला? एफआईआर पहले ही क्यों दिखाया गया कि पहले वो अपने आप गिर के मर गए, बाद में जब इतना बवाल हुआ तब 302 उसमें डाला गया? क्या बात करते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब प्रदर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी वहां पहुंच गई, जाके डीएम ऑफिस के बाहर बैठ गई, वहां पे सारे अधिकारी बैठे थे, तब आपने जाके इस पे कार्रवाई करी है? वरना तो इसको रफा दफा किया जा रहा था। आखिर हाथरस में भी यहाँ भी यही कर रहे हैं और विवेक तिवारी में भी यही काम करने की कोशिश करी गई। बाकी साथियों को जोड़ा जाए, जैन साहब बाकी साथियों को जोड़ते हैं, आपके क्रियाकलाप। अरे आप ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। जैन साहब बोलिएगा, मैं आऊंगा, मैं आता हूँ। जैन साहब मैं आ रहा हूँ भाई, आप अकेले बोलेंगे क्या? सपा से भी तो ले लीजिए, आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगा डाले। आजम खान साहब, ये आपकी सरकारों में पुलिस वालों को मारा जाता था, अब पुलिस वाले हत्या कर रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि 4.5 साल सरकार चलाने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारा पुलिस पे कंट्रोल नहीं बचा है। इनका स्टेटमेंट ये है कि अब मैं पुलिस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा मैं तो बहुत अफसोस है इस बात मैं, का मैं आप सबको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि जैन साहब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से उस रात को कलेक्टर और SSP ने उस महिला को ये कहा कि मुकदमा मत दर्ज करवाओ। वो सबूत मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अधिकारियों का संरक्षण नहीं है, लेकिन अधिकारियों का संरक्षण है या नहीं, इस वीडियो को देखिएगा। दिखाइए वीडियो, स्क्रीन पे लाइए। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक हम लोग क्लीन चिट। और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त, मेरी बात इसमें रखी थी, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपके इतना होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक हम लोग क्लीन चिट। और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त, मेरी बात इसमें जैन साहब मैं आऊंगा आपके पास, आजम खान की बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूँ और इस वीडियो के बारे में आपसे पूछूंगा। हाँ आजम खान साहब क्या कह रहे थे? बहुत अफसोस है कि 4.5 साल की सरकार चलाने के बाद इनका कहना है कि हमारा पुलिस पे कंट्रोल नहीं। आप लोग तो पुलिस को मरवा देते थे, वो कह रहे हैं। वही तो अफसोस है, मारा किसने? कानपुर में क्या हम लोगों ने मारा था? कानपुर में इन्हीं की सरकार थी अभी जब 9 पुलिस वाले मारे गए थे। और विपक्ष सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को जो मुआवजा है वो सरकार तुरंत दे, और उसके साथ पुलिस दोषी पुलिस वालों को सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये विपक्ष की जेन्युइन मांग है। इसमें माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सांत्वना व्यक्त करने गए थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने यही कहा कि भाई जो पुलिस वाले हैं उनको तुरंत सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, सरकार 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और पत्नी को सरकारी नौकरी दे।
लेकिन इन लोगों का कहना है, अब ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि फेक इनकाउंटर में यूपी नंबर वन है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, एनएचआरसी कह रही है, ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि जितने यूपी में मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं उतना पूरे इंडिया में नहीं, यूपी वर्सेस इंडिया है, मतलब मानवाधिकार उल्लंघन में यूपी वर्सेस इंडिया है, यानी यूपी में इतना ज्यादा मानवाधिकार पुलिस के द्वारा किया गया कि उतना पूरे भारत में नहीं हुआ है। तो ये हाल है इनकी। एनएसआरबी के एनसीआरबी का जो डाटा है वो ये भी कहता है कि अपहरण और हत्या में नंबर एक है, बलात्कार में नंबर दो हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से कहते हैं कि मैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, गवर्नेंस भी डिफरेंस है, ये तो यही बता सकते हैं कि कहाँ से हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के तौर पर। अभिषेक जी, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सिर्फ इतना सवाल है मेरा आपसे। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो बातें तो हमारे जो दो और साथी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने बता दिया। और काफी हद तक तो किसी जन साहब ने खुद भी स्वीकार किया, और मैं इसको इसकी तारीफ करता हूँ कि जो गलत है उसको उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ये गलत है। सवाल ये नहीं है कि आपने कहा कि पुलिस वालों ने कोई, आपने कहा कि 1000 पुलिस वाले हैं उसमें अगर 10 लोग गड़बड़ हैं और 990 सही हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उस पर जाते ही नहीं है। आपने ये भी कहा कि सब पिछली सरकारों में संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता। हम उस पर भी आपकी हम कोई सवाल है रिजल्ट का। ये जितनी घटनाएं हुई, इसकी पहली डिबेट में भी मैं आपके साथ बैठा हुआ था, जैन साहब के साथ ही बैठा हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था कि ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है। डर जो कानून का होना चाहिए वो तो नहीं है ना, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मनसा स्पष्ट नहीं है। पुलिस वालों से ही हो गया ना, मनसा स्पष्ट नहीं। नितिन जी, मैं स्पष्ट रूप से जैन साहब से पूछना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से। देखिए, इधर 4 सालों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। विकास दुबे जी की घटना हुई, अब तो खैर उसकी तो अगर कोई बात कर देता है तो ये होता है कि आप अपराधियों का साथ ले रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा विवेक तिवारी की घटना हुई, मौजूदा घटना है, मैनपुरी की घटना, कभी आपने जिक्र किया कि वो पत्नी के साथ लोगों ने गैंगरेप किया, वो पति जाता है FIR दर्ज कराने के लिए, तो उन्हीं पुलिस वाले उसी हस्बैंड के ऊपर ही पुलिस वाले उसकी पीट पिटाई करते हैं और उसी को फर्जी मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए आप, जैसे अभी अपराधियों के खिलाफ आप कहते हैं ना कि हाँ उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त है, आप तुरंत एनकाउंटर करवा देते हैं, गैंगस्टर लगाते हैं, मकान ढहा देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन साहब इन अपराधियों के लिए क्यों नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी विकास दुबे के मामले में जितने पुलिस कर्मचारी दोषी पाए गए, जो जेल में बंद है, जिनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, क्या उनकी संपत्तियों की जांच की आपने? आपने यह पता किया कि इनकी कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जो अवैध हैं? उनकी किसी कितने मकान आपने गिराए? कितने पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाया? गैंगस्टर अधिनियम तो स्पष्ट रूप से कहता है ना, इसीलिए तो आप जिसके ऊपर हर किसी के ऊपर गैंगस्टर लगाते हैं कि अगर अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति से कोई चीज बनाई गई है और गैंगस्टर अधिनियम है, उससे अगर धन अर्जन किया जा रहा है तो गैंगस्टर लगेगा। अब इस पुलिस इस मौजूदा समय में स्पष्ट रूप से पता है, बयान आए हैं उनके दो साथियों के बयान आ रहे हैं कि वसूली करने गए थे वो 6 पुलिसकर्मी जिनके लिए आपने FIR दर्ज कराई है, और आप कहते हैं हमने 302 करा दी, यही आपने गलत किया। 302 तो चलेगा ही नहीं, चलेगा 10,304, खैर वो अलग विषय है, वो तो न्यायालय में जो चलेगा मैं उस पर नहीं जाता। सवाल है कि क्या इनकी संपत्तियों की जांच हुई, इनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया? और जो DM और SP जिसका वीडियो आ रहा है स्पष्ट रूप से, जो कह रहा है कि देखिए मुकदमा ना दर्ज कीजिए, और जब पहला मुकदमा दर्ज होता है तो लिखा जाता है कि ये गिरने से मौत हो गई, तो क्या इन DM और SP साहब के ऊपर आप गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे? क्या इनकी संपत्तियों की जांच करेंगे आप? क्या इनके मकान ढहाएंगे? और अगर आप इतने सख्त हैं, आप कहते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस है अपराध के लिए, तो आज तक आप बता दीजिए कि माड़ीलाल पाटीदार के कितने मकान गिरा दिए आपने, कितने जगह आपने उनका उनके सर्च में आपने जो है छापा मारा, वो आकर के हाईकोर्ट में पिटिशन करते हैं, मुकदमे दाखिल करते हैं, स्वेयरिंग करते हैं, एफिडेविट सेंटर पर जा करके अपनी फोटो खिंचवाते हैं और आपको नहीं मिलते हैं। आप बताइए ना कि उनकी कितनी अवैध संपत्तियों पर आपने आज तक संपत्ति उनकी कुर्क की, आज तक आपने उनकी गाड़ी आ रहा हूं जैन साहब, आ रहा हूं आप ही के पास आऊंगा, उनका एनकाउंटर करने का कोई प्रयास किया? आप ही के पास आ रहा हूं। अगर सरकार की तरफ हो रही है, पहले तो चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठ रही है। सर जैन साहब, मेरी तरफ उंगलियां क्या उठ रही है साहब? मैं कौन सी सत्ता में रहा हूँ या किस पार्टी से हूँ आप बता दीजिए। आप जनता तो है, आपको सत्ता का ना ना, आप आम जनता से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप कह रहे हैं बात यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर करने वाले दंगाइयों के पक्ष में खड़े थे लोग जिन्होंने मीडिया कर्मियों की, ये मैं पूछ रहा हूँ। अभिषेक भाई पर हो रही है,
देखिए ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसी तरीके से मुद्दे को ये डीरेल करते हैं। हिम्मत नहीं होगी कि ये इस मुद्दे पे बात करें और स्पष्ट जवाब दे पाए। जैन साहब मुझे इतना बताइए, स्टैंड भी नहीं है। जैन साहब मुझे इतना बताइए, ये आपका डीएम और कप्तान बैठ के कौन सी बात कर रहा था उन लोगों से और क्या कह रहा था? कप्तान को सस्पेंड किया, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? डीएम और कप्तान माननीय मुख्यमंत्री से सीधे अपने पुलिस मर्डर किया है। डीएम और कप्तान सीधे मुख्यमंत्री से अटैच नहीं होते हैं, सीधे मुख्यमंत्री पे हॉटलाइन पे होते हैं। क्या सस्पेंड हुए? सस्पेंड नहीं हुए। क्यों नहीं कार्रवाई की गई उनपे? क्या समझा रहे थे ये लोग? देखिए डीएमएसपी की जहां तक आप जांच की बात कर रहे हैं, डीएमएसपी ने कहीं पर भी जो मनीष गुप्ता जो जिनकी हत्या हुई है, श्री मनीष गुप्ता और इनकी जो पत्नी है सुश्री मीनाक्षी जी ने स्वयं कहा है कि हमें सलाह दे रहे थे। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से बातें उभर के आ रही, धमका रहे, अरे धमका रहे तो मुकदमा कहाँ से दर्ज हो गया? अच्छा, कहाँ मुकदमा दर्ज हो गया? तो फिर पहले मुकदमा इस बात के लिए क्यों दर्ज हुआ कि ये किसके मर गए? ये बात कहाँ जब दो आई विटनेस मौजूद थे? कप्तान ने क्यों बोली ये बात? जैन साहब दो आई विटनेस किसी एक सेकंड जैन साहब दो आई विटनेस की मौजूदगी के बावजूद ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया कि गिरने से मर गए? ये बात कहाँ से आएगी गिरने से मर गए? मौत पे, किसी की मौत पे राजनीति करना? अरे राजनीति कहाँ हो रही है? सवाल लाइन ऑर्डर पर प्रशासन उठ रहा है, राजनीति तो आप करते हैं। ये भाजपा का काम नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा का काम मारना हो सकता है? मारना 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 जिन्हें तत्काल एफआईआर दर्ज करना। मैंने तो बीजेपी को वोट इसीलिए दिया था क्योंकि मैं सपा की कानून व्यवस्था से नाराज था। और सबसे ज्यादा अपराध व्यापारियों पर ही हुए हैं। कानून मंत्री जी ने पूरे शासन में आपके यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार गारंटी दी है, इनको बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी अपराधियों को। जैन साहब रही बात डीएम और एसपी की, मसला क्या है? का काम होता है विधायक और सांसद शिकायत करते हैं और कहते हैं कि थानों में हमारे कहने पर मुकदमे नहीं लिखे जाते और पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आज अब इनके खुद के पार्टी के नेता ही इतने परेशान हैं। और जैन साहब खुद जानते होंगे बात, अब ये कहना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मगर इनको मालूम है जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार इस वक्त हो गया है और जिस तरीके से निरंकुश हो गए हैं पुलिस का व्यवहार। नहीं, आपको मालूम है जब आपका सांसद विधायक के कहने पर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, जब सांसद विधायक परेशान हो गया है, तब आम आदमी का क्या हाल होगा? अपराधियों को अपनी चेयर पे बैठा करके कोल्ड ड्रिंक पिलाती थी पुलिस और अपराधियों का। ये इस बात का उत्तर नहीं है, मगर आप सत्ता की उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल और पुलिस वालों में अंतर करना मुश्किल हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल और उनकी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपका गठजोड़ लंबे समय तक गठजोड़ रहा पुलिस प्रशासन का और आप उस गठजोड़ को खत्म कब करेंगे? कितना समय और चाहिए? विकास दुबे की पत्नी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जैन साहब उस गठजोड़ को खत्म कब करेंगे इतना बताइए। जिला पंचायत से उसको टिकट दिया गया था। हम उन पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं, कितने दिन आपने क्या कार्रवाई की बता दीजिए। जैन साहब आपने कितना बदलाव किया ये तो बताइए। और विकास दुबे खुद योगी और मोदी विकास दुबे खुद योगी और मोदी जी के साथ फोटो फ्रेम कराते हैं, उसको आप नहीं करोगे? विकास दुबे खुद फोटो फ्रेम कराते हैं योगी और मोदी जी के साथ, उसको ये नहीं कहेंगे, ठीक है? और आज 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 प्रदेश में क्राइम व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है, आम आदमी को चलना मुश्किल हो गया है, व्यापार करना मुश्किल हो गया है, आम आदमी को चलना मुश्किल हो गया, व्यापार करना मुश्किल हो गया है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल नित्यम स्थित। ये सत्ता के बल पे खड़ा हुआ था, ये अपने आप नहीं खड़ा हुआ था। देखिए जैन साहब, साढ़े चार साल में किसकी सत्ता भाई? साढ़े चार साल में कौन सत्ता में? चार हजार से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया। अच्छा। आज वो जेल में जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था, और वो आज छह सात साल से छुट्टा साल की तरह घूम रहे थे अपराधी। जैन साहब रिजल्ट क्या रहा? छुट्टा साल भर के घूम रहे थे। रिजल्ट क्या रहा जेल में? जैन साहब एनसीआरबी की रिपोर्ट आज भी सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही बता रही है, तो रिजल्ट क्या मिला? चाहे आपने 4,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया और 50,000 लोगों को, रिजल्ट क्या है? की राजनीति नहीं करते हैं जैन साहब, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? क्या चाहते हैं? मुकदमा ना दर्ज हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंद करवा दे। जैन साहब क्या अपराध कम हुआ? बंद करवा दे जैन साहब, अपराध कम हुआ क्या? बढ़िया हो जाए
जैन साहब अपराध कम हुआ क्या? लेकिन एसडीआरबी के आंकड़े बढ़िया, जैन साहब उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ क्या? एनसीआरबी की रिपोर्ट आज भी कहती है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध है। अपराध शून्य है उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी झूठ बोल रही है। आप कह दीजिए जैन साहब की एनसीआरबी झूठ बोल रही है, उत्तर प्रदेश जैन साहब एनसीआरबी का झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश लगातार अपराध शून्य की ओर बढ़ रहा है। जैन साहब एनसीआरबी झूठ बोल रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई। बिल्कुल नहीं, मैं झूठा नहीं कह रहा हूँ। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध है, तब आप झूठ बोल रहे हैं। जैन साहब आप झूठ बोल रहे हैं। जैन साहब क्या कहीं नेपाल में घूम के आए हैं? आप चाहते हैं एक्शन ना हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध हुआ है। अच्छा जैन साहब एक बात बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े कौन जारी करता है? एनसीआरबी के आंकड़े कौन जारी करता है? डाटा कौन जारी करता है? एनसीआरबी का डाटा 10% नहीं बचेगा अगर हम FIR दर्ज करना बंद कर दे। मतलब जनता खुश है आपसे? ये मतलब ये बढ़िया है, मतलब पिछली सरकारों की तरह हम नहीं है। FIR ज्यादा दर्ज हो रही है इसलिए आप कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया। कोई अपराधी क्राइम करेगा तो जेल जाएगा, और जेल तब जाएगा जब FIR दर्ज होगी। अगर FIR तो मतलब की मतलब कहने का आपका ये है कि क्राइम होना चाहिए और फिर मुकदमे दर्ज होते रहे? बिल्कुल नहीं, पिछली सरकारों भाई में गोरखपुर वाले डीएमएसपी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 95% तो मुकदमे ही नहीं दर्ज होते थे। मणिलाल पाटीदार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मणिलाल पाटीदार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गोरखपुर वाले डीएमएसपी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाथरस वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बलरामपुर वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, जिसकी भी संलिप्तता होगी अपराध में वो कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है, चाहे जितने रसूख वाला हो, चाहे जितने पहुंच वाला हो, चाहे उसके घर परिवार के लोग विधायक मंत्री सांसद ही क्यों ना हो, क्यों ना हो सत्ता में बैठे हुए लोगों का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो मुकदमा भी दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी और वो जेल भी जाएगा। एनसीआरबी का डाटा और एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ भी कहे लेकिन कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ भी कहे, अपने खुद के सरकार के एजेंसी के जारी किए हुए आंकड़े पे कह रहे कुछ भी कहे। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है फेक एनकाउंटर वो भी गलत है। एनएचआरसी कह रही है कि मानवाधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन उत्तर प्रदेश में हुआ वो भी गलत है। तो सारे आंकड़े गलत है इसका मतलब। और जो केसी जैन साहब मतलब केंद्र है सरकार है वो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी अभी सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कह रहे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी में कहा है कि यूपी में ये समाजवादी पार्टी में सीधे निर्देश था मुकदमे मत दर्ज करिए, मुकदमे ना लिखिए। FIR जीरो था क्या केसी जैन साहब? FIR जीरो था? बलात्कारियों को बैठा के सुना करा केसी जैन साहब? FIR जीरो था समाजवादी पार्टी में? FIR जीरो था क्या? और कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी के हैं, याद होगा शायद आपको। चिन्मयानंद स्वामी आपके पार्टी के हैं, सुनिए कुलदीप सेंगर चिन्मयानंद स्वामी आपके पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं है। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जैसा मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ, जो अभी नितिन जी ने भी पूछा लेकिन आप गोल मोल कर गए, हमें स्ट्रेट सीधा सीधा जवाब बता दीजिए। ये डीएम गोरखपुर के और जो एसपी साहब जिस तरह से कह रहे हैं मुकदमा ना लिखिए, मुकदमा मत लिखाइए, तो इनको अपराध में संरक्षण या अपराधियों की मदद करने या अपराध छुपाने के आरोप में इनके खिलाफ FIR दर्ज होके इनको आप जेल भेजेंगे? और ये FIR अभी तक क्या डीएम और एसपी के खिलाफ इस वीडियो को आने के बाद क्यों नहीं दर्ज की गई? क्या डीजीपी साहब ने यह ऑर्डर दिया कि इनके इस डीएम और एसपी के खिलाफ ये तो अपराध छुपा रहे ना? क्योंकि देखिए घटना के जैन साहब सवाल पूरा कर लीजिए, सवाल सुन लीजिए पूरा। कहीं पर भी अरे भाई जैन साहब पूरी कर लीजिए बात, हमको के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी है। जैन साहब बात पूरी कर लेने दीजिए मुझे। मुझे देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार FIR दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो हर बार एप्लीकेशन दी जाएगी तब होगा। अगर कोई इविडेंस सरकार या सत्ता या सब या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने आया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको रिकॉर्ड पर ले और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बात के लिए दरखास्त दी जाएगी, हर बात के लिए एक बार FIR दर्ज हो गई, क्राइम नंबर पड़ गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, तो जो भी फैक्ट उस अपराध से रिलेटेड आएंगे ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसको रिकॉर्ड पर ले और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करे। डीएम और एसपी साहब खुलेआम कह रहे हैं कि मुकदमा मत दर्ज कराइए, उसकी आई विटनेस मौजूद थे मौके पर, तीन दोस्त थे, एक को मारा गया, दो मौजूद थे, साफ साफ होने के बावजूद ये बात कहां से आई कि ये गिरने से मौत हुई?
और ये किसके प्रेशर में ये FIR लिखाई गई, और अगर ये लिखा गया तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसा कि सामने वीडियो आ रहा है, डीएम और एसपी कह रहे हैं FIR मत दीजिएगा, ये एसपी कह रहे हैं कि आपके कहने पर मैंने देखे तुरंत इनको जो है इनको सस्पेंड कर दिया, तो जिन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई, अपराध छुपाना नहीं हुआ, ये अपराधियों की मदद करना नहीं हुआ, और अगर हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? डीएम एसपी का काम सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, शांत व्यवस्था को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने कुछ भी कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि शांत व्यवस्था के साथ साथ अगर जो इसकी जांच हो रही है, ईडी सीआईडी इसकी जांच कर रही है, जांच के दायरे में एक एक बिंदु आएगा, सारे बिंदुओं पे जांच होगी, छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, जिसकी भी इस घटना में संलिप्तता है वो नहीं बचेगा। अच्छा ये मैं आपको ये वीडियो अभी आपके लिए वैध घटना में पर्याप्त नहीं है, एक सवाल मेरा ये है उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये पुलिस वालों को कौन सा सपना आया था कि वो उसी कमरे पर छापा मारने पहुंचे थे? एक बात सुन लीजिए आप, एक सवाल किसने बताया था कि उसी कमरे में वो लोग रह रहे हैं? समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोगों से भी बात गुम के समाजवादी पार्टी को लीजिए, समाजवादी पार्टी को तो गए जमाना हो गया ना, आप तो उत्तर प्रदेश में आप हैं भाई, अब आपके जाने का वक्त आ गया है, समाजवादी पार्टी को अच्छा है याद करिए। पुलिस वालों को क्यों खड़े दिखाई देते हैं जैन साहब? ये विकास दुबे के साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं, ये भी इनसे पूछिए। कहते रहा हूँ विकास दुबे के साथ योगी जी और खुद प्रधानमंत्री के उसमें भी फोटोज आए हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों कह रहा हूँ जैन साहब, ये पुलिस वालों को कौन सा सपना आया कानून मंत्री के साथ फोटो है, ब्रजेश पाठक जी के साथ फोटो है, और हमारे साथी ये शोर शराबा कर रहे हैं, तो इससे बात शोर शराबा नहीं, कोई सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल या निशान है, और जनता ये सोचने और वो दबेगा नहीं। देखिए सवाल हमसे है, हमें जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिए आराम से, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब आ जाए, बोलिए तब आप जवाब दीजिए, कम समय में बोलिएगा। देखिए सवाल आपसे इसलिए ये, मैं सवाल ये क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, जाने जो ये अपराधियों का और पुलिस का जो गठजोड़ सामने आता है, सवाल सबसे बड़ा इस पे बनता है, और फिर पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है इस तरीके से, उनको भी तमाम सारे सभ्य लोग अपराधी दिखाई देते हैं, जिनका इस तरीके के अपराधियों से गठजोड़ एक बार हो गया, और वो पुलिसकर्मी जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने लगे, उनको सभ्य आदमी भी अपराधी दिखाई देता है। अच्छा। क्योंकि अपराधियों से गठजोड़ होने के बाद में वो उसके आदी हो जाते हैं। इसको प्रेशर किसने दिया? ये विकास दुबे कांड का मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 8-8 पुलिस कर्मियों को मारने के बाद, और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी विकास दुबे के साथ मिले हुए थे, तो ये संलिप्तता उभर के सामने आई, और आज भी इसी विकास दुबे के पक्ष में समाजवादी पार्टी बसपा क्यों खड़ी है? क्यों अपराधियों को? ये होटल वालों की भी क्या कोई जिम्मेदारी होती है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ उनकी भी संलिप्तता थी इसमें? देखिए ऐसा है, जैसे कि जैन साहब एक ही जगह पर अटके हुए हैं, तो देखिए आदमी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है अपनी गलतियों से, मगर इस सरकार ने 4.5 वर्ष में कुछ सीखा नहीं अपनी गलतियों से, पहली बात तो ये है। और जहां तक होटल वालों की बात रही, देखिए जब होटल बनाया जाता है तो तमाम नॉर्म्स जो होते हैं उसका पालन किया जाता है, इसमें फायर नॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, एग्जिट नॉर्म्स होते हैं, कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती है। जब भी कोई आदमी होटल में आता है या चेक इन करता है, उसकी जानकारी होटल वालों को होती है, वो पब्लिक नहीं करी जाती है। अब या तो ये जो पुलिस वाले थे आदतन थे कि इस तरीके से हर रात जाके होटलों में उगाही किया करते थे, लेकिन ये उसी कमरे पे कैसे गए खाली? नहीं, यही बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है कि आखिरकार ये होटल वाले पुलिस वाले उसी कमरे में क्यों पहुंचे और वहां पे क्यों गए, इसका मतलब कि आपने एविडेंस बताने की कोशिश की? नहीं, देखिए जिस तरीके से देखा आपने, कि आपने जो वीडियो दिखाया कि जिले के कप्तान और जिलाधिकारी जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि ये दोषी हैं, और कहीं ना कहीं जो संरक्षण की मुद्दा है, जो संरक्षण शब्द की बात है, तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का संरक्षण प्राप्त था, तो देखिए सब चंदा इकट्ठा होता होगा, सब में बटता होगा, वही वाली बात होगी, तो इस तरीके से चीजें करी जाती होंगी, इसीलिए वहां पे बचाने की कोशिश करी जा रही थी। तो बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक जी ने बोला कि डीएम और एसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कंप्लायंस है उसमें, वो बयान बदलने के लिए वो उस महिला को कह रहे हैं बार बार जो उनकी धर्मपत्नी है, मगर
बाद में ये हुआ कि मुद्दे ने तूल पकड़ ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, शाहजहानपुर का मुद्दा हो, सीतापुर का मुद्दा हो, कहीं का भी मुद्दा रहा हो, इन 4.5 वर्षों में इसी तरीके से लीपा पोती करके छुपा के दबाने की कोशिश करी गई। मगर हाँ, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, विपक्षी दलों के माध्यम से वो चीजें उजागर हो जाती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, क्रांति का देखिए आप मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं दे पाए। आप समाजवादी पार्टी की सरकार पे आ गए, आप मुख्तार अंसारी पर आ गए, आप पुरानी बातों को लेकर आ गए। आप ये बताइए ना कि जो पार्टी विद द डिफरेंस गुड गवर्नेंस वाले नहीं है भाई, आपने क्या किया? अरे वो कांग्रेस से सपा वाले नहीं है जैसा, समाजवादी पार्टी के एक मंत्री ने जिंदा फूंक दिया था, फुकवा दिया था एक पत्रकार को, शाहजहांपुर के एक दमदार कद्दावर मंत्री ने, और उसके बाद में उसके माँ बाप के बयान कैसे पलटवाए गए, ये तो समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। क्यों आपकी सरकार पत्रकारों को पीटा नहीं गया है? हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी सरकार में पत्रकारों को नहीं पीटा गया है? मुकदमा लिखा गया है। अभी जब पंचायत चुनाव चल रहे थे तो आपकी सरकार में यही पुलिस वाले जो थे आपके लगे हुए थे ड्यूटी पर, पुलिस वालों ने पत्रकारों के साथ अभद्रता करी, लाठियों से मारा, लातम जूता किया, तब आप क्या कर रहे थे? तब क्या कर रहे थे? कौन सी कार्रवाई आपने कर ली? बम चल गए, हथगोले चल गए, गोलियां मार दी गई पंचायत के चुनाव में। 2021 में ये हो रहा है, 2021 में हो रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका डर रहा है, आप सरकार ना यहाँ चल रही ना दिल्ली में चल रही है। जब बताइए अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में आया था, दिल्ली में दंगा चल रहा था। अब आपको बताइए दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां फटकार लगा दी, कह दिया कि दिल्ली पुलिस की भूमिका इसमें जो थी वो सही नहीं थी, दिल्ली पुलिस को जुर्माना देना पड़ रहा है। तो चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जहाँ आपकी सरकार हो, वहाँ बेड़ा गर्क आपने कर रखा है। ठीक है, बेड़ा गर्क कहाँ पे जनता ने देखा है और तब जनता ने फैसला किया है? ये जनता की चुनी हुई सरकार है, ये आपके रहमो करम पे बनी हुई सरकार नहीं है। मैंने देखिए आपको मौका बहुत अच्छा मिला था, जनता की चुनी हुई सरकार थी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मौका बहुत अच्छा था काम करने का, मगर आपने काम किया नहीं, उसके विपरीत आपने सारे काम किए हैं। अब आपको दोबारा मौका तो मिलना नहीं। चलिए सर, जैन साहब आपके सामने इसी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हमारे पत्रकार साथी, इन्हीं के ऊपर हमला हुआ और इनके खिलाफ इन्होंने जाके दरखास्त दी, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये मौजूदा पत्रकार आई विटनेस आपके सामने मौजूद है, आप पत्रकारों के हितैषी है ना, आपके सामने ये पत्रकार बैठे हैं और आज करीब 6-2 महीना हो रहा है, कोई कार्रवाई की क्या आपके सरकार ने? आप इन्हीं की बात ले लीजिए, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आप नितिन जी की बात ले लीजिए। पत्रकारों का हमने वैक्सीनेशन भी कराया, अरे वैक्सीनेशन कराया भी और हम पत्रकारों के साथ खड़े, इसको हमको कहने में कोई तो बता दीजिए ना कि नितिन जी के खिलाफ घटना हुई थी, क्या कार्रवाई की आपने आज तक? आप बता दीजिए जो घटना हुई उसकी क्या कार्रवाई हुई? हमारे समाज को आईना दिखाने का काम, अरे जैन साहब विक्टर खुद आपके सामने बैठा है, का काम करते हैं पत्रकार। जैन साहब नितिन जी खुद आपके सामने बैठे हैं, आप बता दीजिए क्या कार्रवाई हुई? खुलकर के साथ है पत्रकारों के, आप मुद्दे की बात नहीं आएंगे, पार्टी की सरकार सुनाई नहीं दे रही। सवाल का जवाब दे दीजिए जैन साहब। जैन साहब का आज मत नहीं है, बोलने को शायद कुछ है नहीं। जैन साहब सवाल का जवाब तो दे दीजिए, जो नितिन जी के खिलाफ हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई आप बता दीजिए, आपके सामने बैठे हैं विक्टिम। मेरी घटना मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद विषय पर जुड़ने के लिए और अपना प्रयास रखने के लिए। तो ठीक है जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगर एप्लीकेशन दिए एक्शन ना हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं जुड़ता हूँ आपसे बाद में और कोशिश करूंगा कि कुछ करवाया जाए आपसे मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से पहले लखनऊ और इसके अलावा अलग अलग जिलों के साथ साथ अब गोरखपुर में मामला निकलकर सामने आया कि एक व्यापारी की हत्या पुलिस वालों के द्वारा कर दी गई। बहुत जब मामला तूल पकड़ता है तो कहीं ना कहीं एफआईआर होती है, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही है, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि क्या हर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री या फिर पंचम तल जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा क्या तब तक कार्रवाई नहीं होगी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सरकार मुआवजा दे देती है, नौकरी दे देती है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे क्यों कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? पुलिस के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए, ये सवाल अभी भी जनता के मन में बना हुआ है। आज की डिबेट में नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर इसी तरह से हम आपसे जुड़ते रहें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।